एक एजेंसी है उससे पेपर तो अब भी लेंगे, बोर्ड नहीं लेगा लेकिन, हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा लेकिन पेपर हम अब भी लेंगे। और पेपर लेने का जो हमारा आइडिया है वो केवल इतना है कि बच्चे में इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए कि उसको एक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए, और एक कंपटीशन की भावना भी उसमें होनी चाहिए कि वो अच्छे नंबर लेगा, वो फर्स्ट आएगा, इस प्रकार का। और जिस प्रकार से हमने जो पहले एक निर्णय लिया था, पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बच्चों को कहीं भी फेल नहीं करेंगे, उनको पास करते चलेंगे, तो उसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं रहे। अभिभावक भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे और टीचर भी सेटिस्फाई नहीं थे। अभी जब हमने निर्णय लिया तो टीचर भी इससे खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं इससे कि उससे बच्चों में गंभीरता आएगी और वो अच्छी तैयारी करेंगे। सर क्या मान नहीं, बोर्ड की जगह मतलब पेपर तो लिया जाएगा। जो अभी निर्णय लिया वो हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है वो नहीं पेपर लेगा, लेकिन पेपर एक एजेंसी लेगी। देखिए, हर बार जो बजट है वो निश्चित तौर से जो गरीब व्यक्ति है, किसान है, चाहे छोटा किसान है चाहे मजदूर है, उसके हित का ही बजट आता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से चाहे इंडस्ट्री है और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सरकार ने काफ़ी बजट रखा है और वो सामी दिखाई भी देता है, चाहे सड़कें हैं, चाहे रेल है, जो भी हैं, चाहे हवाई मार्ग हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सुधार है। चाहे बिजली है, बिजली के मामले में जो सुधार आप हरियाणा में देख रहे हैं, बाकी की तो मैं क्या कहूँ, आप यहाँ भी देख लो कितना सुधार है। सर हरियाणा का नहीं, यही जिस प्रकार से केंद्र का बजट रहेगा निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि हर पक्ष को उसका लाभ होगा। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद।